नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छी होंगे। तो आज मैं रेशमि विद्या फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी लेकर। तो उसको देखिए और एंजॉय कीजिए रेसिपी का। नमस्ते। तो आज मैं आपके सामने मोस्ट पॉपुलर दाल फ्राई बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस दाल फ्राई की सबसे मजे की बात तो ये है कि इसे बिना तड़के का इजीली कुकर में बना सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। और जब तड़का नहीं लगेगा तो ज्यादा बर्तन भी नहीं निकलेंगे, तो है ना झक्कास रेसिपी। तो बस इसके लिए जो भी मैं छोटे मोटे टिप्स दूंगी उसे बिना स्किप किए आखिर तक देखिए, और आप भी इस इजी सी रेसिपी को घर पे बना सकेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को घर पर जरूर बनाएं और मुझे अपने फीडबैक नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बगल में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, जाके मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप अरहर की दाल लिया है, इसे तुअर की दाल भी कहते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से वॉश करके इसे 2 से 3 घंटा पानी में ड्रिप करके रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लिए। 3 घंटे बाद ये दाल फूल के इस प्रकार से डबल हो जाएगी। मैंने इसका सारा पानी छान के फेंक दिया है। तो अब ये दाल कुक होने के लिए रेडी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में 1 टीस्पून देसी घी डालें और इसे गर्म कर लें। आप इसे नॉर्मल ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी से दाल फ्राई का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। देसी घी गर्म हो चुका है तो अब फ्लेम को लो रखें, नहीं तो सारे इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे। तो अब इसमें एक एक करके 1/4 टीस्पून हींग डालें, 1/2 टीस्पून जीरा डालें, 1/2 टीस्पून राई डालें, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें, या हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, और फिर तुरंत ही एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर डालें और लो टू मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए अच्छे तरीके से फ्राई करें। तो अब आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें और कुछ सेकेंड चलाएं, और फिर इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को इस प्रकार से मीडियम टुकड़ों में काट कर डालें और लो टू मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से कुक करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। तो अब इसमें मसाले ऐड करें। मसालों में एक एक करके 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डालें, 1/3 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालें, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर डालें, और आखिरी में थोड़ा सा पानी डालें ताकि मसाले तली में जले ना। और अब मसालों को अच्छे तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करें। सारे मसाले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें भींगे और फूले हुए दाल को डालें और 2 मिनट लगातार मीडियम फ्लेम में अच्छे तरीके से चलाते हुए फ्राई करें। दो मिनट हो चुका है, दाल अच्छे तरीके से फ्राई होकर मसालों से कोटेड हो चुका है। तो अब इसमें 1.5 गिलास पानी डालें और मिक्स करें। वैसे पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जिस हिसाब से आपको दाल का थिकनेस चाहिए। वैसे मैं दाल का परफेक्ट थिकनेस कैसे होगा कुकर के ढक्कन के बंद करने से पहले ही उसका भी ट्रिक्स बता दूंगी। तो अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें और अगेन मिक्स करें। तो अब देख लीजिए कि दाल में पानी की परफेक्ट क्वांटिटी कैसे समझेंगे। तो इस उंगली को अंदर डालें, दाल की परत से पानी की क्वांटिटी उंगली की इस लाइन तक होनी चाहिए, तभी समझ लें कि दाल में पानी की क्वांटिटी बिल्कुल से परफेक्ट है। तो आप ढक्कन को बंद कर मीडियम फ्लेम में 5 से 6 सीटी बजाएं, और जब कुकर का सारा वेपर निकल जाए तो ढक्कन को खोलकर थोड़ा सा मिक्स करें, और फिर इसमें 2 कुटी हुई इलायची और आवश्यकता अनुसार बारीक कटे हुए धनिया पत्ती डालें और अच्छे तरीके से मिक्स करके दाल को सर्व कर लें। तो यहाँ पर अगर आप दाल डेली खाने के लिए बना रहे हैं या घर के लिए बना रहे हैं
तो कोई भी तड़के की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन कोई गेस्ट के लिए बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं एक तड़का डालूंगी जो कि बिल्कुल से ऑप्शनल है। आप चाहे तो डालें या तो नहीं भी डाल सकते, लेकिन तड़का डालने से इसका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो तड़के के लिए सबसे पहले पैन में 1 टीस्पून देसी घी डालें और इसे गरम कर लें। और जब देसी घी अच्छे तरीके से गरम हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल से लो कर दें और इसमें एक एक करके 1/2 टीस्पून जीरा डालें, 2 खड़ा लाल मिर्च डालें, 1 तेज़पत्ता डालें और आखिरी में फ्लेम को ऑफ करके इसमें 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें। आप तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो। अब इसे मिक्स करें और लीजिए फ्रेंड्स, तड़का रेडी है। तो अब इसे तुरंत ही दाल के ऊपर डाल दें। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई रेडी हो चुका है। तो है ना बहुत ही आसान तरीका, इसे आप रोटी, पूरी, पराठा, नान, पुलाव या फिर प्लेन राइस के साथ भी गर्मा गर्म सर्व करें। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी लगते हैं। इसे घर पे आए मेहमानों को सर्व करें, मेहमान भी इसका टेस्ट से हैरान हो जाएंगे। तो मुझे पूरा 100% उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।